शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दो दिन तक अयोध्या में थे। उन्होंने कहा था कि भगवान राम सिर्फ भाजपा के नहीं है। उसी को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक बयान दिया है। उमा ने कहा कि उद्धव ठाकरे के इस प्रयास के लिए हम उनकी सराहना करते हैं। राम मंदिर पर सिर्फ भाजपा का एक अधिकार नहीं है। उमा ने आगे कहा कि भगवान राम हम सबके हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करती हूं कि वो राम मंदिर निर्माण में सहयोग करें। मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान और अन्य से कहूंगी कि वो राम मंदिर निर्माण में सहयोग करें। बता दें कि उद्धव ने रविवार को भाजपा की केंद्र सरकार को एक तरह का कुंभकर्ण बताया, राम मंदिर पर 4 साल से नींद में रहने का आरोप लगाया। उन्होंने राम जन्म भूमि को लेकर अध्यादेश लाने पर शिवसेना के समर्थन की बात करके भाजपा को राम मंदिर निर्माण के कानूनी विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, बस यही बात कहने में आया हूँ। सीएम योगी को भी निशाने पर लेते हुए उद्धव ने कहा कि मैंने सीएम योगी को कई बार यह कहते सुना था कि मंदिर था और रहेगा। ये तो हमारी धारणा है, हमारी भावना है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो दिख नहीं रहा। उद्धव ठाकरे ने अयोध्या के संतों द्वारा की गई मेहमान नवाजी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि यहाँ आने के पीछे उनका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं था। मैं यहाँ सिर्फ उन भावनाओं को जाहिर करने आया था जो राम मंदिर को लेकर देश और दुनिया भर के हिंदुओं के अंदर है।